25. 45. 26. 50. 27. 70. 28. रुके, हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो अपने कक्ष में सोए थे, यहाँ कहाँ से पहुंच गए? आपको यहाँ लाया गया है। लाया गया है मतलब? जहाँ पना, एक हफ्ते तक आप सुबह सुबह इसी तरह वर्जिश करेंगे, कसरत करेंगे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद हमारी सहेली चंद्रकला उसके पति के साथ हमें मिलने आ रही। तो आपकी सहेली चंद्रकला क्या कोई पहलवान है जिसके आने के लिए हम कसरत करेंगे? ओहो, जहां पना, समझने की कोशिश कीजिए ना। शादी से पहले चंद्रकला और हम ढींगे मारा करते थे कि हमारे पति यूं लंबे चौड़े कसरती बदन वाले होंगे। उसको तो वैसा पति मिल गया, लेकिन हमें आप मिले, आप। हाँ तो उसमें क्या है रानी साहिबा, शादी से पहले हम भी अपने दोस्तों के साथ ढींगे मारा करते थे कि हमारी होने वाली बीवी संगे मरमर की मूरत होगी। तो आप क्या, आपको संगे मरमर के घोल में डुबो दें? संगे मरमर की मूरत तो हम थे, लेकिन शादी के बाद सारा संगे मरमर उतर गया हमारा। जो भी है रानी साहिबा, आप अपनी सहेली से कह दीजिए कि हमारे जो पति हैं, यानी कि बादशाह सलामत, उनके पास ना वक्त है ये वर्जिश करने का, ना ही वो करना चाहते हैं, ना उन्हें पसंद है। चाहपना, काश हम ऐसा कह सकते, काश। वो क्या है ना, पिछली बार जब हम सलीम को लेके मायके गए थे तो चंद्रकला उसके पति के साथ हमें मिली थी वहां, और ऐसे गुरूर के साथ हमें उसने कहा कि क्या तुम्हारा पति ऐसा हमारे पति जैसा है या फिर बस मिट्टी का ढेर है। तो हमें भी गुस्सा आया और हमने उसका गुरूर चूर चूर करने के लिए कह दिया उसे कि हमारा पति भी तुम्हारे पति की तरह लोहा है। हाँ, उतना ही नहीं कहा, कहा कि हमारे पति में तो उसके शरीर में लोहा ही लोहा है, बालों में लोहा, हाथों में लोहा, पैर में लोहा, पूरे बदन में लोहा ही लोहा। और सलीम को आगे किया और कहा, देखो अगर ये हमारा बेटा है तो सोचो हमारा पति कैसा होगा। हमने तो ये सब बोल दिया, अब हमें क्या पता था कि वो उसके पति के साथ यहाँ आएगी। वो आ गई और आपको ऐसा देखेगी, मिट्टी के ढेर को, तो हमारा तो मजाक उड़ाएगी ना वो। रानी साहिबा, अब आपका मजाक उड़े या कबूतर उड़े उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इस चीज के लिए बलि का बकरा नहीं बनेंगे, हमसे ये सब नहीं होगा। ठीक है, जहां पना, सोच लीजिए, अगर हमारी बेइज्जती हुई चंद्रकला के सामने तो हमारे चारों तरफ आग ही आग होगी, आग ही आग। नहीं रानी साहिबा, हम आपको इस तरह अपने आप को जलाने नहीं देंगे। हम नहीं जलने वाले, हम इस पूरे महल को जला देंगे। अब्बा हुजूर, शाही खून है हम, आप फिक्र मत करिए, हम एक हफ्ते में आपको कसरत करवा करवा के आपके औलादी डोले बनवा देंगे। वाह चापना, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और एक जापना, ये करेले का रस है, खून साफ हो जाएगा और भगवान ने चाहा तो शरीर भी कम हो जाएगा। चलिए पी लीजिए, पी लीजिए, मुंह खोलिए। एक सौ एक।
102, 103। चलिए चलिए अब्बा हुजूर, शाबाश, ये रस्सी आपको 400 बार कूदनी है। ओहो अब्बा हुजूर, आपकी वजह से हम गिनती भूल गए। चलिए कोई बात नहीं, हम तीसरी बार दोबारा एक से शुरू करते हैं। अम्बीजा, अरे जहां बना छोड़िए, क्या कर रहे, छोड़िए छोड़िए सलीम को। जहां पना, गजब हो गया। हमारी सहेली चंद्रकला जो अगले हफ्ते आने वाली थी, वो कल ही आ रही है और पूरे एक दिन के लिए रुकने वाली है। हाँ, चंद्रकला आ रही है। भाई साहब, उसकी शादी हो चुकी है। क्या कहा आपने, वो कल आ रही है, यानी कल ही आ रही है। हाँ, वो कल आ रही है, और अगर चंद्रकला ने आपको ऐसे देखा, ऐसे ही मिट्टी का ढेर, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। अब हम क्या करें, क्या करें भाई साहब, क्या करें बिरबल, क्या करें? हाँ, बस हम आपको कहीं छुपा देंगे। हम नहीं छिपेंगे। फिर भी अगर आप चाहती हैं कि हम कुछ वक्त के लिए अपने महल में ना दिखाई दे, तो हम बीरबल या बलदेव के महल में चले जाएंगे एक दिन के लिए। नहीं नहीं, वो चंद्रकला तो भाई साहब को जरूर मिलने जाएगी। भाई साहब, उसकी शादी हो चुकी है। हाँ, ना। और बीरबल को तो हर कोई मिलना चाहता है। एक काम करते हैं, एक जगह है जहां चंद्रकला नहीं जाएगी। कौन सी रानी साहबा? कैद खाना बीरबल। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर कैद खाने में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, जरूर जाएंगे। कान खोलकर सब लोग सुन लीजिए, खबरदार, अगर किसी ने भी मुंह खोला कि जहां पना इसी महल में है, तो महल से तो क्या, आपको रियासत से बाहर निकाल देंगे। समझ गए आप लोग? तानसेन जी, यही तानपुरा आपके सर पर मारेंगे। ना रहेगा बाज, ना बजेगा बेसुरा। बुंदेलखंड के राजा लोहा सिंह और रानी चंद्रकला देवी पधार रहे हैं। आइए, ये देखो हमारा महल, अच्छा है ना? अरे आप सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो हमें? अरे ये हमारे बचपन के नाम है, पल्ली और जल्ली। हम बचपन में एक दूसरे को इसी नाम से बुलाते थे, है ना भाई साहब? भाई साहब देख रही है। कहाँ? वहाँ। हाँ। वैसे ये कर क्या रहे हैं? अरे ये कुछ नहीं, बात क्या है ना पल्ली, मेरे पति के कसरती बदन के इतने चर्चे हैं कि आसमान से देवता भी उनके लोहे जैसे बदन को देखने आते हैं।
इसलिए मैंने इनको कहा है कि देवताओं को अपने डोले दिखाते रहे। लेकिन देवता तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये किसे देख रहे हैं? क्या बलदेव जी? भाई साहब, देवता दिखाई कहाँ देते हैं? वो तो अदृश्य होकर मेरे पति के कसरती बदन को देखने आते हैं। आखिर इतना फुर्तीला ताकतवर कसरती बदन कहाँ देखने को मिलेगा? बताइए बताइए। और पता है पल्ली, मेरे पति भारी से भारी वजन यूं उठा लेते हैं, उनके लोहे जैसे डोले, लोहे जैसा सीना, अगर चट्टान भी आके टकराए ना तो टूट के चूर हो जाए। ऊपर से नीचे तक लोहे का भंडार है मेरे पति। और एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, मेरे पति इतनी तेज दौड़ते हैं, इतनी तेज दौड़ते हैं कि हिरण को भी मात दे दे। ऐसा पति किसी को नहीं मिलता। ये भी कोई पति है? अरे पति तो हमारे है, हमारे जिनका यूं लोहे जैसा बदन है। अरे वो तो जब सोते हैं ना तो इतना वजन लेकर सोते, इतना वजन लेकर सोते हैं, दौड़ना जब दौड़ते हैं ना तो इतना तेज दौड़ते, इतना तेज दौड़ते, इतना तेज दौड़ते कि पता ही नहीं चला कि दौड़ के चले कहाँ गए, है ना भाई साहब? है ना बिरबल जी, तानसेन जी, है ना साली बसु? सब हाँ बोल रहे हैं। वो तो ठीक है, जब जीजू को देखेंगे तब पता चल ही जाएगा, पर वो है कहाँ? जरा हम भी तो देखें कि उनके डोले कैसे हैं जिनकी तुम इतनी तारीफ कर रही हो। अरे जल्दी क्या बताऊं, वो तो बिल्कुल तुम्हें मिलने के लिए इतने बेताब थे, इतने बेताब थे। रियासत, अब इतनी बड़ी रियासत है तो जहां पना को 2 दिन के लिए काम से बाहर जाना ही पड़ा, है ना? है ना, है ना? क्या? तो आप कैसे पता चलेगा कि उनके डोले में भी लोहा है मेरे पति जैसा या फिर मिट्टी? समझ में नहीं आता लोग गुनाह करते ही क्यों हैं? ये कोई जगह हुई रहने की? अदब से बात करो। वैसे तुमने किया क्या है जो तुम्हें अंदर कर दिया? शकल से तो तुम जेब कतरे लगते हो। किसकी जेब काटी? खामोश खरगोश। जहां पना की जय हो, आपका ये खाना। जुल्म है, अत्याचार है, इस जेब कतरे को इतना बढ़िया खाना खिलाया जा रहा और मुझे कैदियों वाला खाना। खामोश रहिए वरना अब हम आपकी जबान कटवा देंगे। जबान कटवा कैसे? आप लोगों के भी यही कैद खाना मिला था हमें छिपाने के लिए। यहाँ पर शराबी पागल आदमी के साथ रह रहकर हम खुद पागल हो जाएंगे। क्या करूं जहां पना, बाकी कैद खाने कैदियों से भरे पड़े हैं। यही एक जगह मिली थी इसलिए आपको यहाँ रखा गया है। एक बात और जहां पना, आपको एक नहीं कई दिनों तक रहना पड़ेगा। क्या क्या क्या, क्यों रहना पड़ेगा? क्यों क्यों? जहां पना वो जो रानी साहिबा की सहेली है ना, उन्हें हमारा ये राज्य और राजमहल इतना अच्छा लग गया कि वो एक हफ्ते तक यही रहेंगी
और आपसे मिलकर ही जाएंगी। हम कहाँ फंस गए बीरबल, कुछ रास्ता निकालिए, सोचिए कुछ, कोई रास्ता निकालिए। जहां पना इसका एक ही रास्ता है, इसके लिए हमें लोहा सिंह जी को राज्य के सैर पर ले जाना होगा। बस ये क्या रास्ता हुआ? जापना की जय हो। जापना, हम तो लोहा सिंह जी को राजधानी दिखाने ले गए थे और आए तो पता चला कि रानी साहबा की बचपन की सहेली से आपका आमना सामना हो गया। तो अब हम क्या करें बीरबल? हमारे कैदखाने में हमारे साथ जो वो दूसरा शराबी पागल सा कैदी था, उसने हमारी जूती चुरा ली। अब जूती चुरा के भागने लगा, हम उसके पीछे पीछे भागे। कैदखाने का दरवाजा खुला हुआ था, वो भागता भागता यहां पर महल के अंदर आ गया। उसके पीछे पीछे हम भी महल के अंदर आ गए और महल के अंदर आते ही हमारा आमना सामना हो गया चंद्रकला से। हाँ बोलिए ना, सामना हो गया, उसके बाद क्या हुआ? और ये भी बताइए ना कि चंद्रकला ने हमारी कितनी बेइज्जती की, कितना शर्मिंदा होना पड़ा हमें। बताइए बताइए, चुप क्यों हैं आप? जापना, रानी साहिबा, आपकी बचपन की सहेली रानी चंद्रकला और उनके पति अभी यहाँ आते ही होंगे और हम आपसे वादा करते हैं कि वो खुद आपसे कहेंगी कि आपके पति हमारे जाफरा अकबर उनके पति से ज्यादा फुर्तीले, मजबूत और कसरती है, और इस बात को लेकर वो शर्मिंदा भी होंगे। बीरबल, ये आप क्या बोल रहे हो? वो शर्मिंदा क्यों होगी? अच्छा पल्ली, अब हम चलते हैं। वैसे भी हम जीजू को देखने आए थे, अब वो तो हमने देख ही लिया। कहाँ है, कहाँ है? लोहा सिंह जी, लोहा सिंह जी, ये बताइए कि हमारे प्रजा में घूमकर और प्रजा के लोगों से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। आपकी प्रजा फुर्तीली है, जोशीली है, स्वस्थ है, लेकिन हमसे कम है। अब आप जैसा, लेकिन ये बताइए कि आपकी प्रजा में जरूर आपसे ज्यादा फुर्तीले, जोशीले और मजबूत लोग होंगे, है ना? अजी कहाँ, हमारे राज्य की प्रजा तो एकदम सुस्त, निकम्मी, आलसी और बीमार है। उनको हम जैसा बनने में 7 जन्म लग जाएंगे। ये तो हम भी जानते हैं लोहा सिंह जी, कि आपकी प्रजा कैसी है। रानी चंद्रकला जी, आपने हमारी रानी साहिबा से पूछा था कि क्या इनके पति बादशाह अकबर आपके पति लोहा सिंह जी से ज्यादा वजन उठा सकते हैं? क्या इनके पति के सीने में इतना लोहा है कि मजबूत से मजबूत चट्टान इनके पति के सीने से टकरा कर टूट जाए? और क्या इनके पति आपके पति से ज्यादा फुर्तीले? जी हाँ, जो कि पल्ली ने हमसे झूठ कहा कि उनके पति ऐसे हैं। नहीं चंद्रकला जी, हमारी रानी साहिबा ने आपसे झूठ नहीं कहा था। हमारे जापना अकबर इतने मजबूत है कि अपने प्रजा की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उनके सीने में इतना लोहा है कि प्रजा की बड़ी से बड़ी मुसीबत की चट्टान भी उनके सीने से टकरा कर टूट जाती है, और जब प्रजा पर कोई भी समस्या आती है तो वो इतने फुर्तीले हैं कि सबसे पहले वही पहुंचते। और आपके पति लोहा सिंह जी सिर्फ अपने आप पर ध्यान देते हैं, सिर्फ वर्जिश और कसरत में लगे रहते हैं और अपने प्रजा की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते, इसलिए आपकी प्रजा कमजोर, कामचोर और बीमार है। चंद्रकला जी, किसी भी राजा की पहलवानी उसकी शरीर की मजबूती या उसकी सीने की चौड़ाई या फिर उसके डोलों के नाप से नहीं नापी जाती, बल्कि इस बात से नापी जाती है कि उसकी प्रजा की सुरक्षा कितनी मजबूत है, उसकी प्रजा की खुशहाली का सीना कितना चौड़ा है और उसकी प्रजा की
सुख शांति के डोले कैसे बने हुए हैं। और जो राजा इन बात पर ज्यादा ध्यान देता है, हमारी नजर में वही मजबूत और कसरती राजा होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा बिरबल जी, हम हमेशा से ही अपने पति के लोहे जैसे कसरती जिस्म पर घमंड करते रहे, कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि बतौर राजा वो कितने कमजोर और बेढोल शरीर के मालिक हैं, जिसमें लोहा नहीं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी भरी हुई है। सही कहा रानी चंद्रकला, आपने सही कहा। हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम अपने शरीर पर ध्यान देने की बजाय अपनी प्रजा के स्वास्थ्य और उनकी खुशहाली पर ध्यान देंगे। पल्ली, हम तुमसे माफी मांगते हैं। वाकई तुम्हारे पति हमारे पति से ज्यादा कसरती और मजबूत हैं। हम तुमसे और जीजू से बहुत शर्मिंदा हैं। हो सके तो माफ कर देना। वाह बिरबल वाह, जहां पना सच कहते हैं, जिसके पास आप जैसा हीरा हो उसका सर किसी के सामने नहीं झुक सकता। देख रहे